गोवा के गणित पर पणजी से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा है। हालांकि मनोहर पर्रिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ ले ली है। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को 10 मंत्रियों के साथ पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और नितिन गडकरी भी शामिल हुए। और इससे पहले आज दिन में सीएम की शपथ पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कांग्रेस की याचिका खारिज भी हो गई। कोर्ट ने न सिर्फ कांग्रेस को फटकार लगाई बल्कि ये भी कहा कि अगर कांग्रेस के पास बहुमत था तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए। वहीं मनोहर पर्रिकर को अब 16 मार्च को गोवा विधानसभा में बहुमत भी साबित करना है। हाँ, मनोहर पर्रिकर देवाची सुपूर घेता की कायद्यावरवी स्थापित अशा भारतीय संविधाना विषयी हाँ। बीजेपी के मनोहर पर्रिकर गोवा के नए दबंग होंगे। गोवा में सरकार गठन पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच मनोहर पर्रिकर की ताजपोशी हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 16 मार्च को मनोहर पर्रिकर की अग्नि परीक्षा लेगा। कोर्ट ने 16 मार्च को गोवा विधानसभा का सत्र बुलाकर बीजेपी को फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिस्पोज ऑफ करते समय ये आज तय किया है कि 16 तारीख को फ्लो टेस्ट गोवा में होगा। दरअसल कांग्रेस ने मनोहर पर्रिकर की ताजपोशी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने न सिर्फ शपथ पर रोक लगाने से इनकार किया बल्कि कांग्रेस को कड़ी फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस पहले गवर्नर के पास अपने संख्या बल के साथ जाती और फिर सुप्रीम कोर्ट आती तो फैसला लेना आसान होता। कांग्रेस की दलील थी कि वो राज्य में सरकार बना सकती है और राज्यपाल को इस मामले में सबसे बड़ी पार्टी से चर्चा करनी चाहिए थी। माननीय राज्यपाल अपने संतोष को, जो संवैधानिक संतोष होता है, जो संवैधानिक रूप से उनको अपना एक कर्तव्य निभाना होता है, उसके लिए ये अति आवश्यक है। ये हमारी दलील थी कि वो सबसे ज़्यादा आंकड़ों वाली पार्टी को कम से कम कंसल्ट करे, बातचीत करे। सरकार बनाने को बुलाने की तो दूसरी कड़ी होती है, सरकार का न्योता देने से पहले सिर्फ बातचीत करे, उनसे कंसल्ट करे। वो नहीं होना हमारे हिसाब से संविधान का एक बहुत घोर गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट से भले ही बीजेपी को राहत मिली हो, लेकिन विपक्ष बीजेपी को बख्शने के मूड में हरगिज नहीं है। कांग्रेस खुले तौर पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर पैसे की ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सून इनफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच मनी द बीजेपी हैज थ्रोन टू स्टील द मैंडेट ऑफ मणिपुर एंड गोवा। दैट्स द क्वेश्चन, इट्स नॉट हाउ सून यू वेंट, इट्स विद हाउ मच मनी दे वेंट। उधर खुद के दामन पर लग रहे खरीद फरोख्त के आरोपों से बीजेपी खेमे में भी बेचैनी है। कांग्रेस से कड़े हमलों के बाद बीजेपी डिफेंस की भूमिका में है। गोवा में कोई हॉस्टेडिंग हुआ नहीं है, न किसी से कोई व्यवहार हुआ है। करीब रात को मैं जब 12 बजे पहुंचा तो सुबह 5 बजे तक सभी पार्टी के इंडिपेंडेंट्स और अलग अलग छोटे पार्टी, जो रीजनल पार्टी, उनके साथ चर्चा करता रहा। उनके काफ़ी मांगे थी, उनके कुछ रिजर्वेशंस थे गोवा के विकास के बारे में, गोवा की अगली सरकार के बारे में। दिन भर चर्चाएं होती रही, इंडिपेंडेंट से सबसे चर्चा है और उसके बाद में आम सहमति बनी और गोवा के विकास के लिए एक स्थिर सरकार चाहिए इस बात पर। और उनने कंडीशन रखी थी कि अगर मनोहर पर्रिकर अगर नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ही हम सपोर्ट करेंगे। विरोधियों के आरोपों से इतर बीजेपी 16 मार्च के लिए होमवर्क करने में जुट गई। दरअसल 16 मार्च को मनोहर सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत विधायकों को साधने में लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।